वेट वेट वेट, वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोग ये देखो, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को मेरी एक लास्ट वीडियो पे कमेंट करा था कि ब्रो बाय मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स इन स्टोर ऑफ मेड आउट 2 एंड यू कांट डू दिस चैलेंज। तो मैं आरटी गेमर्स भाई को बता दूं कि भाई योर चैलेंज एक्सेप्टेड। अब सबसे पहले मेरे को ये चेक करना था कि मेड आउट 2 के स्टोर में सबसे महंगी चीज है तो है कौन सी। मेड आउट 2 के स्टोर में जब मैंने कपड़े चेक करे तो वो इतने महंगे नहीं थे, लेकिन जब मैंने इनकी कार चेक करी भाई, वहां पे मेरे को पता लगा असली महंगाई है तो है कहां पर। अब बात थी चैलेंज की, तो मेरे को कोई ना कोई सी तो महंगी कार खरीदनी थी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी वाली महंगी कार खरीदूं, इसमें तो सारी कार महंगी हैं। लेकिन मैंने सोचा शुरुआत तो करनी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में खरीद ली अपनी जीप रैंगलर। हाँ हाँ भाई, किसी से छीन के नहीं लाया, मैंने खुद खरीदी है। इस चैलेंज की मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करनी भूल गया। लेकिन वो तो लैम्बोर्गिनी है ना। ओ रुक 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 रुक, अब तो लगता है आरटी गेमर्स का चैलेंज अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा जब मैं लैम्बोर्गिनी की अवेंटाडोर छीनूंगा, क्योंकि इससे महंगी कार नहीं है इस पूरे गेम में कोई। बट ये बंदा रोकने के लिए तो तैयार ही नहीं। अरे काला माल घूम रहा है गोरे माल के आगे। भाई मैंने गोरे माल के चक्कर में काले माल को तो देखा ही नहीं। बट मेरा प्यार हमेशा गोरा माल रहेगा, तो मेरे को यहाँ पे गोरा माल छीनना। लेकिन बम्बलबी के बंदे ने मेरी बहुत मदद करी है, तो इसको जन्नत पहुंचाने का टाइम आ चुका है। तूने मेरी इतनी मदद करी तो चल अब तेरे को जन्नत के रास्ता ही दिखा दे रहा हूँ। अरे अरे भाग नहीं रहा सर जी, तेरे को ही मारने आ रहा हूँ, तेरे को बिना जन्नत पहुंचाए मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना, क्योंकि तूने मेरे का सपनों की रानी एवेंटाडोर दिलवाई है। इसका मतलब समझ रहे हो सर जी, तुम मेरे लिए बहुत महान हो, लेकिन तुम मर के क्यों नहीं दे रहे। ये लो फिर गोटे पंच। एवेंटाडोर वाले सर जी, अब तुम जा रहे हो कि तुम्हें भी कुछ ऐसे स्पेशल तरीके से जन्नत का रास्ता दिखाऊं। अरे बाहर आ जाओ सर जी, एकदम प्यार से बाहर आना है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से आओ आराम से। अबे ठोक किसने दी अब ये, इतनी मुश्किल से तो कोई साबुत गाड़ी मिलती है, ऊपर से मेड आउट 2 के ड्राइवर्स पता नहीं क्या गत्ता फूक के नशे करते हैं। अभी मैं जा रहा था अपनी रेंगलर को मॉडिफाई करवाने, इसलिए मैं इसे बाद में ले जाऊंगा ठीक करवाने के लिए। सो अभी मैं इसे अपने घर में खड़ी कर दे रहा हूं। अबे भाई इस रूम में खड़ी करता हूँ, क्या लगेगी गोल्डन कलर में। सो मैंने सोच लिया यार अगर मैं इस पे गोल्डन करवाऊंगा, अरे हाँ गाइस यार मैं अपनी रेंगलर पे भी गोल्डन कलर करवाऊंगा। तो अब यार सबसे बड़ी बात तो ये, वहां पे रेंगलर होनी चाहिए। ओ अपनी रेंगलर वहीं खड़ी है, मेरे को तो लगा गेम के ग्लिच की वजह से वहां से उड़ गई होगी, बट अपनी रेंगलर यहीं पे। यार गेम बड़ा बढ़िया है, जो गाड़ी हम खरीद लेते हैं वो गाड़ी नहीं जा रही यार, जहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ वहीं पर है। अगर ऐसा कुछ सच में होता है तो मेरी एवेंटाडोर अब मेरे गैराज में नहीं होनी चाहिए, वो वहां से चली जानी चाहिए। इस हिसाब से हम जो गाड़ी खरीदते हैं सिर्फ वही गाड़ी वहां पर रुकती है। अपनी एवेंटाडोर है क्या यहाँ पे? जैसा कि मेरे को लग रहा था मेरी एवेंटाडोर गायब हो चुकी है, और वैसा ही हो चुका है भाई। इतनी मुश्किल से तो एक एवेंटाडोर मिली पूरे गेम में, मैं इस गेम को एक महीने से खेल रहा हूँ, मेरे को आज जाके एक एवेंटाडोर मिली थी। खैर छोड़ो, अपनी ख्वाहिशों की सारी मॉडिफिकेशन मैं अपनी रेंगलर पे करवाने वाला हूँ। होप जैसा कि मैं सोच रहा हूँ वैसी ही मॉडिफिकेशन मेरी रेंगलर पे हो, नहीं तो भाई रेंगलर क्या, मेरे खुद समझ नहीं आ रहा रेंगलर पे कैसा कलर करवाऊँ। एक्चुअली मेरे को पसंद है मेरी गोल्डन सीरीज, बट तुम लोग को पता होगा रेंगलर एक ऐसी गाड़ी है जो थार जैसी दिखती है, और थार पे गोल्डन कलर बड़ा टट्टी सा लगेगा। अगर मैंने इस पे गोल्डन करवा लिया तो ये कुछ ऐसा लगेगा जैसे मैं इसे टट्टी के टैंक में कुदा के लाया हूं। तो सबसे पहले मैं इसकी नंबर प्लेट बनवाता हूं, जो कि है किंग राणा के नाम से, और ये कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। और जैसा कि हर एक थार लवर का सपना होता है अपनी गाड़ी के टायर चौड़े करवाना, सो मैं भी वही करवाने वाला हूं। और कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, तो मैं इसे थोड़े बाहर निकलवा देता हूं, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा उठवा दे रहा हूं नॉर्मल से, ज्यादा नहीं उठवाने वाला, ज्यादा उठवा दूंगा तो बहुत ज्यादा खराब लगेगी। और मैं इसमें रिम भी चेंज करवाने वाला हूं, और अगर मैं इसे नीचे कर दूं तो यार कुछ ऐसी लगेगी भाई, क्या लग रही है भाई। यार मेरा मन कर रहा है यही कलर करवाने का, ऐसा मत करो मेरी जान। करते हैं इस हल्का सा उठवाता हूं, क्योंकि अगर मैंने इसे बिल्कुल ही लो कर दिया तो गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी का जो इंजन है जो बिल्कुल बेस है वो चिपक जाएगा। तो इसे हल्का सा उठवाते हैं, और मैं क्या सोच रहा हूँ हल्के से मैं टायर भी मुड़वा दे रहा हूँ, फुल अमेरिकन वाला फील आएगा जैसे तुम लोग देखते हो। भाई टायर मुड़वाने के बाद कैसी लगेगी यार, क्या प्यारी लगने वाली है, दिल आ गया इस गाड़ी पे। पहले तो मैं रिम्स का कलर चेंज करने की सोचता हूँ, फिर एकदम से मैं बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन बना दूं अपने दिमाग में, जो कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। तुम लोग देखो यार क्या लग रही है भाई, तुम लोग सोच सकते हो कितना तगड़े ऑसम लुक आने वाला है इस पे गोल्डन कलर करवाऊंगा। तो यस, जैसा कि तुम लोग सोच रहे हो मैंने इन रिम्स को डन कर दिया, और अब मेरी रेंगलर का मस्कुलर लुक निकल के आ रहा है। मैंने शॉर्ट्स पर एक वीडियो देखी थी जिसमें ऑडी के टायर पतले थे, तो वो कुछ ऐसी दिख रही थी भाई, तो ऑटो जैसी लग रही है। इसके टायर छोटे करवा दूंगा तो ये कुछ ऐसी लगेगी, और बड़े करवा दूंगा तो कुछ ऐसी, बट बड़े पे ज्यादा गंदी लग रही है, तो मैं इसके टायर को थोड़ा मीडियम रखना ज्यादा पसंद करूंगा। 3 दिन की मॉडिफिकेशन के बाद अपनी गाड़ी कुछ ऐसी निकल के आती है। यस तुम लोग सोच रहे हो पहले मैंने दूसरे वाले एलॉयस को डन करा था, बट यार क्या बताऊं मेरा मन कर गया कि ये वाले एलॉयस लगवाते हैं थार वाले इसके अंदर, और कैसी लग रही है भाई। तुम्हारे भाई ने से बिल्कुल लो ग्राउंड वाली बनवा दिया है, लो आते ही उद्घाटन हो गया। इस रेंगलर में मैंने A to Z की है, थार वाली लगवाई है, और गाइस इसमें मैंने जो गोल्डन कलर था अपनी गोल्डन सीरीज का, वो बस मैंने गेट्स पर ही कराया, और बस बोनेट पे कराया इसके। मैंने सोचा क्यों ना चेक करा जाए कि इस पे गोल्डन कलर कैसा लगेगा। सो गाइस मैंने इसको सिर्फ गेट और बोनेट पे ये कलर करवाया था, और भाई तुम लोग देखते क्या लग रही है भाई, धुएं उठाती हुई जा रही है गाड़ी बिल्कुल। मन तो कर रहा था मैं इसी गाड़ी को डन कर दूं, बट यार तुम्हारे भाई के दिल में थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन की आशा जगी, और मैं फिर से आगे से मॉडिफिकेशन शॉप पे लेके, और देन मैंने फिर से इसे दोबारा मॉडिफाई करवाया।
एंड अब की बारी बराबर हो चुकी है। एंड देन मैंने इसका जो कलर था ऊपर वाला रेड वाला, वो पहले डार्क था, उसे मैंने लाइट करवा दिया है। क्या मतलब सौरभ जोशी के फैन हूं मैं? नहीं नहीं गाइस यार, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट मैंने इसे ट्राई करा है, मैंने इस कलर को, मैं इसे ढंग से अप्लाई नहीं करने वाला, मैं इसका कलर फिर से चेंज करवाने वाला हूं। और जो इसकी जो सस्पेंशन की क्लियरेंस थी वो भी मैंने थोड़ी बढ़वा दी है। एंड देन मेरा ऐसे भी मन नहीं भरा, मैं इसे फिर से लेके पहुंच गया मॉडिफिकेशन शॉप पे। एंड देन अब बताओ क्या लुक आ रही है गाड़ी की, ऑल गोल्डन हो चुकी है और देख सकते हो मैंने इसे रियल व्हील ड्राइव बना दिया है, जिसके बाद ये भी बर्नआउट मार सकती है। बट भाई मेरा मन उससे भी नहीं भरा, मैंने जैसा कि मैंने बोलता मैं इसके टायर टेढ़े करवाने वाला हूँ, सो मैंने सोचा इसके टायर टेढ़े करवा के देखता हूँ कैसी लगेगी। सो मैंने इसके टायर भी टेढ़े करवा दिए, ये तो बिल्कुल टॉय कार जैसी लग रही है, लेकिन भाई धुएं उठाती हुई चल रही है। बट जैसे ही मैंने इसके टायर टेढ़े करवाए तो मेरे को मोड़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि इसके जो टायर थे वो ढंग से नहीं मुड़ पा रहे, और हर बार की तरह मेरी नई गाड़ी का उद्घाटन हो चुका है। इससे ड्रिफ्ट देखो कितनी तगड़ी लग रही है, क्योंकि मैंने इसे रियर व्हील ड्राइव बना दिया, टोटल ड्रिफ्ट में भाई क्या अमेजिंग लग रही है। अगर मैंने लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर ले ली ना, उसमें मैं पक्का टायर टेंट कराने वाला हूँ। बट ये क्या था, ये क्या लग रही थी जब ये आसमान में गई, मतलब अजीब सी गाड़ी लग रही थी कुछ। सो गाइस यार बैक टू गैराज, और अब चलते हैं यार अपने वापस मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। बट इसका बोनट उखड़ के गिर गया, अब वापस से यार गैराज जाके इसे बिल्कुल ठीक कराता हूँ, एकदम बढ़िया से कराता हूँ, जो मेरी मनपसंद मॉडिफिकेशन थी। सो देखो मेरी फुली मॉडिफिकेशन करवाने के बाद ये गाड़ी कुछ ऐसी दिख रही है, तुम लोग चेक करो। अब की बार में से शांति में घर लेके जाने वाला हूँ। अब देखो क्या लग रही है, सामने किंगराना की नंबर प्लेट, पीछे किंगराना की नंबर प्लेट, गोल्डन एलॉयस और वो भी इतने मोटे टायर्स, और पूरी गाड़ी गोल्डन, और गोल्डन वाला कौन सा कलर भाई, मेटलिक गोल्डन। इसी के साथ ये गाड़ी हो चुकी है अपनी गोल्डन सीरीज में ऐड। और एक अमेजिंग सी चीज बताऊं, ये गाड़ी अपनी गोल्डन सीरीज की पहली गाड़ी है। अब सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे लिए यही है कि इसे साबुत के साबुत घर लेके जाना। अब मेरे को तो पता है मैं तो इतना बढ़िया ड्राइव कर सकता हूँ, बट मेरे को मैडर टू के ड्राइवर्स पे भरोसा नहीं है, ये माल भूख के गाड़ी चलाते हैं। मैं गाड़ी नहीं ठोकता था, पीछे से लाकर ये लोग गाड़ी ठोक देते हैं। अब भाई ने ड्राइविंग करनी कौन सिखाए। बट भाई क्या बची है ये गाड़ी अभी अभी मेरी, अभी मेरी रेंगलर का सत्यानाश हो जाता। बट अपनी किस्मत ने इस टाइम पे पूरा साथ दिया। अगर तुम लोग चाहते हो, मेरे को लगा भाई गई गाड़ी, कि मैं आईटी गेमर्स का चैलेंज कंप्लीट करूं, भाई इसने ठोक दी। मैंने कहा था ना ये लोग माल फूक के गाड़ी चलाते हैं। खैर छोड़ो, अब मैं इसे दोबारा कल गैराज लेके जाऊंगा, फिर मैं इसे बिल्कुल ठीक करा के घर ले जाने वाला हूं, मैं इसे फास्ट ले जाता हूं। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं आईटी गेमर्स का चैलेंज एक वीडियो में कंप्लीट करूं, उस गेम की सारी गाड़ी गोल्डन करवा के, भाई गोल्डन करवाने में कम से कम मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा आ चुका है। मैं सारी महंगी गाड़ी और सारी महंगी कॉस्ट्यूम एक ही वीडियो में खरीदूं, सिंगल वीडियो में इसका पूरा चैलेंज ही खत्म कर दूं आरटी गेमर्स का। सो इस वीडियो पर 1K लाइक कंप्लीट करा देना, अगर तुम लोगों ने 1K लाइक कंप्लीट करा दी, सो मैं इस बंदे का चैलेंज एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा। मैंने कोशिश तो पूरी करी थी अपनी गाड़ी को घर तक साबुत लाने की, बट ये इम्पॉसिबल सा ही था, क्योंकि भाई मैंने तो बहुत ज्यादा गाड़ी बचाई, बट जो अपोनेंट थे, मतलब जो बंदे थे और जो यहाँ के माल फूक के गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने नहीं बख्शा यार मेरे को। आगे से तो नी टूटी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि पीछे से ही ठुकी थी, यहाँ पे मेरे को अभी तक याद है। यहाँ के बंदे कहते हैं नई गाड़ी बेटा दिखनी नहीं चाहिए हमें रोड पे। सो गाड़ी यार क्या लग रही है, अमेजिंग थी। बट आगे से कैसे ठुक गई, आगे से तो मैं साबुत ही लाया था गाड़ी। तुम लोग कमेंट करना गाड़ी ठुकी तो ठुकी कहाँ, और इस वीडियो पे 1K लाइक का चैलेंज कंप्लीट करा देना, ताकि मैं आईटी गेमर्स का चैलेंज कंप्लीट करूं। और यार कमेंट करना अपना बेस्ट पार्ट।